हूँ शिवाय। आज सुबह 10 बजे के बाद जन्मे जातक गंडमूल नक्षत्र में माने जाएंगे, जिनकी शांति 27 दिन बाद फिर इसी नक्षत्र में होनी होगी। ऐसे जातक प्रतिभाशाली, वैभवशाली, धनवान, आदरणीय, सभी के लोकप्रिय होंगे, अच्छी तर्क शक्ति वाले होते हैं मगर गुस्सैल मिजाज वाले होते हैं। मेष राशि वाले जातकों का आज स्वास्थ्य अच्छा रहेगा मगर मानसिक उलझन थोड़ी बनी हुई रहेगी, क्योंकि आपकी राशि से चंद्रमा 8वें चल रहे हैं और साथ ही राहु की दृष्टि भी इन पर पड़ रही है, इसलिए दिन भर मानसिक उलझन बनी रह सकती है, झुंझलाहट बेचैनी बढ़ने की संभावना है। धैर्य रखें, शाम तक अच्छा महसूस करने लगेंगे। कार्य व्यवसाय में अनुकूलता बनी रहेगी, धन संबंधी मामलों में लाभ मिलेगा, विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, नौकरी करने वाले जातकों के लिए समय अच्छा चल रहा है। माँ के स्वास्थ्य पर ध्यान दें, माँ का स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। हनुमान जी की आराधना करें, अनुकूलता बनी रहेगी। वृषभ राशि वाले जातक थोड़ा सा और इंतजार करें, अभी अपने स्वास्थ्य पर बराबर ध्यान रखें, स्वास्थ्य संबंधी समस्या बढ़ सकती है, मानसिक रूप से थकान महसूस कर सकते हैं मगर धन संबंधी मामलों में सहायता मिलती रहेगी। कोई काम आपका नहीं रुकेगा, कार्य व्यवसाय ठीक चलेगा। नौकरी करने वाले जातकों का समय अच्छा चल रहा है। आज विद्यार्थियों का समय अच्छा चल रहा है, क्योंकि चंद्रमा बुध के नक्षत्र में है, इसलिए सफलता मिलेगी, पढ़ाई सार्थक होगी। माँ का स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, पत्नी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करें या शिवलिंग पर जलाभिषेक करें, अनुकूलता बनी रहेगी। मिथुन राशि वाले जातकों का आज का दिन अच्छा है, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, मानसिक स्थिति भी अच्छी रहेगी, आत्मविश्वास बना हुआ है। यदि कोई नई कार्य योजना के लिए सोच रहे हैं तो उसको पूरा करने की कोशिश करें, अचानक धन लाभ की स्थिति बन सकती है। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अनुकूल चल रहा है, नौकरी करने वाले जातकों का समय भी अच्छा चल रहा है, आपको धन संबंधी मामलों में अनुकूलता मिलेगी। ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करें या गायत्री मंत्र का मानसिक जप करें। आज आपका अपना स्वास्थ्य अच्छा महसूस करेंगे, आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा, वाद विवाद या कोर्ट कचहरी का कोई मामला चल रहा है तो आज आपके लिए अनुकूल है, प्रयास करें, मामला सुलझ सकता है। विरोधियों से भी धन मिलने की संभावना बनती है, कार्य व्यवसाय अनुकूल चलता रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों का दिन भी आज बहुत अच्छा है, अपने विभाग के ही कहीं किसी दूसरी जगह पर काम करने का मौका मिल सकता है। माँ का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पत्नी के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें, विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, शिवलिंग पर जलाभिषेक करें या ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करें, सफलता मिलेगी। सिंह राशि वाले जातकों का आज का दिन अच्छा है, स्वास्थ्य में सुधार महसूस होगा, मानसिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। यदि कोई नया काम सोच रहे हैं तो प्रयास करें, काम बन सकता है, कार्य व्यवसाय अनुकूल चलेगा, विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, वाद विवाद या कोर्ट कचहरी का कोई मामला है तो वह भी आपके लिए आज अनुकूल है, धन संबंधी मामलों में अनुकूलता बनी हुई है, आज कुछ विशेष उपलब्धि वाला दिन है, प्रयास करें, लाभ मिलेगा। दिन में ओम घृणी सूर्याय नमः का मानसिक जप करें, अनुकूलता मिलेगी। कन्या राशि के जातकों का
जो काम पहले से रुका आ रहा था उसका समय हो गया है। आप थोड़ा प्रयास करें, सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, धन संबंधी मामलों में सहयोग मिलेगा, कार्य व्यवसाय में अनुकूलता बनी हुई है। नौकरी करने वाले जातकों का समय भी अच्छा है, अपने आप में प्रफुल्लित महसूस करेंगे, माँ का स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। फिटकरी के पानी से स्नान करें, गायत्री मंत्र का मानसिक जप करें, अनुकूलता बनी रहेगी। तुला राशि वाले जातकों को थोड़ा ध्यान देना होगा, शुक्र अपनी राशि चेंज कर लिए हैं, धनु से मकर राशि में शुक्र का परिवर्तन हुआ है, अभी यह केतु के साथ रहेंगे, इसलिए अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। हड्डी संबंधी समस्याओं या त्वचा से संबंधित समस्याओं का अंदेशा बनता है। कार्य व्यवसाय अनुकूल चलेगा, धन संबंधी मामलों में अनुकूलता बनी हुई है, कुछ नया करने को सोच रहे हैं तो कर डालें। वाहन खरीदने का योग बना हुआ है, यदि लेना चाहते हैं तो समय निकट है, ले सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, विशेष अनुकूलता के लिए ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करें। वृश्चिक राशि के जातकों का मानसिक रूप से उलझन वाला दौर अभी कुछ दिन और चलेगा, धैर्य रखें। धन संबंधी मामलों में कुछ अनुकूलता बनी हुई है, कार्य व्यवसाय पहले जैसे ही चलते रहेंगे। नौकरी करने वाले जातकों का समय अनुकूल है, विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा नहीं है, मन लगाकर पढ़ाई करें। हर काम में थोड़ी अड़चन व रुकावट महसूस हो सकती है, माँ का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कुछ अच्छे कामों में खर्च का योग बना हुआ है, कोर्ट कचहरी या वाद विवाद से संबंधित मामलों में अनुकूलता बनी हुई है, प्रयास करें। हनुमान जी की आराधना करें या ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करें, अनुकूलता मिलेगी। धनु राशि वाले जातक मानसिक रूप से अब काफ़ी राहत महसूस करेंगे, मन प्रफुल्लित रहेगा, आत्मविश्वास में और बढ़ोतरी होगी। अभी तक शुक्र के आपकी राशि पर होने की वजह से मन में एक अंतर्द्वंद बना हुआ था जो कि अब खत्म हो चुका है, साथ ही साथ शनि के उदय होने की वजह से आपकी कार्य क्षमता और बढ़ेगी, मानसिक रूप से और बली महसूस करेंगे। नई कार्य योजनाओं के लिए समय अनुकूल है, प्रयास करें, सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है, उनके मेहनत के अनुरूप फल मिलेगा। विशेष अनुकूलता के लिए सुंदरकांड का पाठ करें या हनुमान जी की आराधना करें। आपकी राशि पर आज शुक्र और केतु दोनों आ चुके हैं, इससे आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, स्वास्थ्य में कुछ राहत महसूस करेंगे, कार्य व्यवसाय में सहयोग मिलता रहेगा, कुछ नया काम कर सकते हैं। नौकरी करने वाले जातकों का समय विशेष अनुकूल है, विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल चल रहा है, धन संबंधी मामलों में अनुकूलता बनी हुई है, नई परियोजनाओं के लिए समय अनुकूल है, बस थोड़ी त्वचा से संबंधित समस्या या हड्डी से संबंधित समस्या बढ़ सकती है, ध्यान रखें। आपके लिए हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करना अनुकूल रहेगा। कुंभ राशि वाले जातकों का आज का दिन अच्छा है, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, धन संबंधी मामलों में अनुकूलता मिलेगी, आत्मविश्वास भी बढ़ा हुआ रहेगा, नई कार्य योजनाओं को बल मिलेगा, भाग्यवश कुछ काम अच्छे होंगे। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है, माँ के स्वास्थ्य पर ध्यान दें, देव दर्शन के योग बने हुए हैं, पीपल के पेड़ में जल डालें या ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करें, अनुकूलता मिलेगी।
मीन राशि वाले जातक आज थोड़ी उलझन महसूस कर सकते हैं। आज के काम को कल पर ना टालें, प्रयास करें आज ही पूरा कर लें। स्वास्थ्य संबंधी अनुकूलता बनी हुई है, धन संबंधी मामलों में अचानक लाभ की स्थिति बनी हुई है। नौकरी करने वाले जातकों का समय अच्छा है, आज देवदर्शन के योग भी बने हुए हैं। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, मन लगाकर पढ़ाई करें। माँ का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। विशेष अनुकूलता के लिए केले के पौधे में जल डालें या ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः का मानसिक जप करें। आज के लिए बस इतना ही। ओम नमः शिवाय।